हातिमपुर गांव के लोग रात में मुंह पर उंगली रखकर घूमते थे और कोई भी कुछ बोलता नहीं था। एक लड़का रोड पर अपने दादा के साथ जा रहा है। दादा, कल मुझे मेला लेकर चलोगे? दादा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुड़ैल का साया आता है। दादा लड़के का मुंह हाथ से बंद कर देते हैं। चुड़ैल भयानक आवाज में हंसती है। ये किसकी आवाज थी? दादा लड़के को लेकर झाड़ी में छुप जाते हैं। चुड़ैल कुछ देर रुककर चली जाती है। एक बार गांव में एक औरत का मर्डर हो जाता है। मर्डर की जांच करने केशलता अपनी टीम के साथ पहुंचती है। कोई भी गांव वाला पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। सभी मुंह पर उंगली रखकर ना में सिर हिलाकर निकल जाते थे। केशलता को गांव में अपने स्कूल की दोस्त नेहा मिलती है। अरे नेहा, पहचाना मुझे? हम स्कूल में एक साथ थे। नेहा मुंह पर उंगली रखकर बस हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। इस गांव के लोग पागल हैं क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे। नेहा, तुम तो कुछ बोलो। नेहा पेन निकालती है और एक कागज पर लिखती है कि अभी रात है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगी। नेहा अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसकी चोटी पकड़ ली। नेहा डर के मारे पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने अपने सूट से कैंची निकाली और बिना पीछे देखे ही अपनी चोटी काट दी और भागती हुई सीधा अपने घर पहुंच गई। अगले दिन नेहा केशलता के पास पहुंचती है। सबसे पहले ये बताओ कि गांव के लोग रात में कुछ बोलते क्यों नहीं? गांव में जुबान काट कर ले जाने वाली एक अंधी चुड़ैल आती है। वो रात में गांव में घूमती है, जिसकी भी आवाज उसके कानों में पड़ जाए, चुड़ैल अमावस की रात में आकर उसकी जुबान काट कर ले जाती है। गांव के बहुत से लोग गूंगे हो चुके हैं। कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? मतलब मैं रात में बोलती रही तो अंधी चुड़ैल किसी अमावस्या की रात मेरी भी जीभ काट कर ले जाएगी? हाँ, ये देखो, कल चुड़ैल ने मेरी चोटी पकड़ ली थी। मजबूरी में मुझे चोटी काट कर ही भागना पड़ा। तुम और तुम्हारे साथियों को भी सावधान रहना होगा। अब ये बताओ, जिस औरत का मर्डर हुआ है, क्या उसका भी चुड़ैल से कोई लेना देना है? चुड़ैल उस औरत के लड़के की भी जुबान ले जा चुकी है। इस चक्कर में उसके लड़के की शादी टूट गई और वो पागल जैसा हो गया। वो औरत एक तांत्रिक के साथ मिलकर हर अमावस की रात गांव के बीचों बीच हवन किया करती थी, ताकि वो चुड़ैल को बुलाकर उससे अपने बेटे की जुबान वापस मांग सके। लेकिन फिर वो औरत एक दिन मरी हुई मिली। अब मुझे जाना होगा। सावधान रहना, आज अमावस है। केशलता मरी हुई औरत के घर जाकर उसके लड़के से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोल पाता। क्या तुम उस तांत्रिक के बारे में कुछ बता सकते हो जो तुम्हारी माँ से मिला करता था? रात हो जाने पर केशलता उस जगह पर जांच करने पहुंचती है जहां औरत तांत्रिक के साथ मिलकर हवन किया करती थी। तभी अचानक केशलता को महसूस हुआ कि जुबान निकालने वाली चुड़ैल उसके पीछे खड़ी है। केशलता तुरंत रिवॉल्वर निकालकर पीछे पलटती है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी चुड़ैल के हाथ केशलता की गर्दन पकड़ लेते हैं। अपनी गर्दन को छुड़ाने के प्रयास में केशलता की रिवॉल्वर छूट जाती है। चुड़ैल केशलता की जीभ काट कर ले जाती है। अमावस्या की रात थी, इसीलिए पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था। केशलता को मदद के लिए कोई नहीं दिख रहा था। वो दौड़ती हुई नेहा के घर पहुंची। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ।
केसलता तुरंत पेन से कागज पर लिखकर नेहा से कहती है कि वो उस तांत्रिक बाबा को ढूंढने में उसकी मदद करे। अगले दिन नेहा गांव के हर घर में जाकर तांत्रिक के बारे में पता करती है। एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो तांत्रिक शमशान घाट में रहता है। नेहा और केसलता शमशान घाट पहुंचते हैं। शमशान घाट पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो चुकी थी। घनी अंधेरी रात में सुनसान सड़क जिसके दोनों ओर घना जंगल है, पर केसलता और नेहा शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे। अंधी चुड़ैल उनके कदमों की आवाज सुनकर सड़क पर आ जाती है। नेहा अपने मुंह पर उंगली रखकर केसलता को इशारा करती है कि हमें बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। दोनों अपने पैरों से जूते निकाल देते हैं और नंगे पैर ही शमशान घाट की तरफ बढ़ते हैं ताकि आवाज ना हो। दोनों को तांत्रिक मिल जाता है। वो आग के पास बैठकर तपस्या कर रहा था। केसलता तांत्रिक के माथे पर रिवॉल्वर रख देती है। ये पुलिस वाली पूछ रही है कि तुमने उस औरत को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा बेटी, उस औरत को चुड़ैल ने मारा। मैं इस गांव को चुड़ैल से मुक्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। चुड़ैल क्या चाहती है? चुड़ैल शांति चाहती है। उसे किसी का बोलना पसंद नहीं। अगर किसी इंसान की आवाज उसके कान में पहुंच जाती है तो वो हमेशा के लिए उसकी जुबान छीन लेती है। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ या कहीं जाकर छुप जाओ। मैं अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल से लड़कर उस चुड़ैल को गांव से हमेशा के लिए भगा दूंगा। नेहा और केसलता एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल आती है। नेहा और केसलता देखते हैं कि तांत्रिक गुस्से में चुड़ैल से कुछ कह रहा है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण वे दोनों कुछ सुन नहीं पा रही थी। वे दोनों पास जाकर तांत्रिक और चुड़ैल की बातें सुनने की कोशिश करती हैं। तू इस गांव से चली जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पूरी दुनिया को गूंगा बनाऊंगी। मुझे शांति चाहिए। मैं अपने गले में पड़ा ताबीज नष्ट कर दूंगा। तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ताबीज नष्ट हुआ तो मेरे साथ तू भी मर जाएगा। तांत्रिक अपने गले से ताबीज निकालता है और आग में डाल देता है। नहीं! आग में विस्फोट होता है। चुड़ैल मर जाती है और तांत्रिक मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। चुड़ैल के मरते ही केसलता की आवाज वापस आ जाती है। केसलता और नेहा दौड़ते हुए तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। ये आपने क्या किया बाबा? चुड़ैल को मारने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अच्छे काम में अपनी जान भी जाए तो हर्ज नहीं। वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका था। मुझे खुशी है कि मैं गांव वालों को चुड़ैल से मुक्त करा के मर रहा हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक मर जाता है। नेहा और केसलता चुड़ैल के मरने की खुशखबरी जाकर गांव वालों को देते हैं। उस दिन के बाद गांव वाले रात में भी बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके चुड़ैल को मारने वाले बाबा की मूर्ति गांव में स्थापित करते हैं।